हमने ठीक से मुकाबला कर लिया तो जीवन बचेगा और राष्ट्र फिर प्रगति के शिखर को चूमेगा। और इसलिए ये चुनौती हम सबके सामने कि जिस तरीके से योद्धा के रूप में आदि चुनौती को मुकाबला कर रहे हैं, और वो योद्धा जो प्रत्यक्ष रूप में चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, सफाई कर्मी हो, सुरक्षा कर्मी हो, तमाम लोग स्वयंसेवी संगठन हो, जो पूरी योद्धा की तरह करने के लिए जुटे हुए रात दिन एक कर रहे हैं, उनका भी हम समय समय पर अभिनंदन करें, ये भी मेरा आपसे अनुरोध है। और मुझे भरोसा है कि आप इस दिशा में सक्रिय भी होंगे, सजग भी होंगे और आप उतने ही संवेदनशील भी होंगे। मैं आपकी कठिनाइयों को समझ सकता हूँ, इसलिए मैंने पिछली बार सभी अध्यापक गण से अभिभावक गण से मैंने अनुरोध किया था कि वो आपकी मदद करे कि आप घर पर मुक्त तरीके से रह सके, ज्यादा तनाव से होकर ना गुजरे। और हमने कोशिश की कि ऐसे वातावरण में जहां आपको लगेगा कि अब समय बढ़ रहा है तो हमको कुछ ना कुछ करने को चाहिए, तो हमने कुछ ऑनलाइन यथासंभव कोशिश की कि हम आपको ऑनलाइन कुछ पाठ्यक्रम उपलब्ध करा सकें। तो मैं समझता हूं कि अब मैं सीधे आपके साथ संवाद कर रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है कि पूरे देश के जुड़ी है। मुझे बताया गया कि जगह जगह से सूचनाएं आ रही है कि अभिभावक गण भी हमसे जुड़े हैं और बहुत सारे अध्यापक गण भी हमसे जुड़े हुए हैं। तो मैं यदि सवाल शुरू करूं, आपके सवालों का जवाब देना या आपके कुछ सुझाव, तो मैं शुरू करता हूं, क्योंकि अभी मेरे सामने शुभम जो नई दिल्ली से ही है, शुभम ने कहा कि लॉकडाउन अवधि के दौरान होने वाली शैक्षणिक हानि से निपटने के लिए सरकार सीबीएसई की क्या तैयारियां हैं और क्या उनकी योजना है। शुभम, जो आपको मालूम है कि सीबीएसई की ने जो निर्णय लिया था, वो सीबीएसई में ये निर्णय लिया गया था कि जो एक से लेकर के और आठ तक इनको पदोन्नत कर दिया जाएगा, और साथ में जो नौवीं है और ग्यारहवीं की कक्षा है उसको आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर उनको भी पदोन्नति दी जाएगी दूसरी कक्षा में उनको के आधार पर। और जहां तक पेपर्स बच गए थे उनकी और इंटर के जो बचे हुए प्रश्न पत्र हैं उनके बारे में ये कहा गया कि वो जब स्थिति सामान्य होगी तो उनकी परीक्षाएं कर दी जाएंगी। तो मैं ये समझता हूं कि जो आपने कहा कि क्या तैयारी करनी चाहिए, किन परीक्षाओं की तैयारी करनी चाहिए और प्रवेश परीक्षा के लिए मुझे किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपके आपने कहा कि मेरे को नवीं में और दसवीं में और ग्यारहवीं में और बारहवीं में आपके स्वभाव की है आपकी जिज्ञासा। तो मैं ये समझता हूँ कि सीबीएसई बोर्ड ने जो निर्णय लिया वो सब आपके सामने है, भी है जहाँ ये जो परीक्षाओं की कॉपियां हैं उनको भी उनकी जांच का काम बहुत जल्दी शुरू हो रहा है, सीबीएसई उसकी पूरी तैयारी कर रही है।